हेलो एवरीवन, मैं श्रुति और श्रुति रेसिपी में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से भटूरे की रेसिपी शेयर करूंगी और ये मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 कप मैंने मैदा लिया है चाय के कप से, और ये 2 टेबल स्पून मैंने सूजी लिया है, जो मैं कप से ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये 2 टेबल स्पून मेरा सूजी है, और नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चीनी है ये भी टेस्ट के अनुसार, और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और ये घर का बना हुआ दही है, 1 कप दही मैंने लिया है, या 4 टेबल स्पून दही। और आटे को गूंथने के लिए हमें पानी चाहिए, तो ये जो दही का पानी है मेरा, वही मैं यूज़ कर ले रही हूँ। और सभी चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे, तभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों को पानी लगेगा। और थोड़ा सा पानी मुझे लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। आटों को हम लोग नरम गूंथेंगे, इसलिए आप लोग अपना देख ले कि किस तरह से पकड़ने में इजी हो रहा है। और आटा थोड़ा नरम ही रहेगा मेरा, और फिर मैं इसे रख दे रही हूँ गर्म स्थान पे, मतलब कैजरल में मैं रख दे रही हूँ इसे। ठंडी का मौसम है तो इसलिए मैं 2 घंटे के लिए कैजरल में बंद करके रख दे रही हूँ। और 2 घंटे के बाद हम लोग आ गए हैं देखने, और ये आटा मेरा थोड़ा सा फूला है, ज़्यादा नहीं फूला है क्योंकि अभी विंटर का मौसम है इसलिए, लेकिन फिर भी इसके भटूरे काफ़ी टेस्टी बनेंगे। वो ट्रिक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आटा को हम लोग बड़े एक परात में निकाल ले रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं आटा काफ़ी स्टिकी है, हाथ देने लायक नहीं है। यहाँ पर मैंने सूखा मैदा ले लिया है थोड़ा सा, और इस सूखे मैदे को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, और फिर आटे को मैं मसलते रहूंगी। और आप लोगों को यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस तरह से आटे को हम लोगों को नहीं मारना है, जिस तरह से हम लोग रोटी का आटा मारते हैं, इसको हम लोग बस ऐसे ही मसल मसल के हल्के हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग पूरियों को बना पाए। बस उतना ही हम लोग इसमें मैदा मिक्स करेंगे, और मैदा को एक बार में मिक्स ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करें। और भटूरे के जो आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट ही रहता है, आप लोग इस तरीका से बना करके देखें, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यम्मी बनने वाला है। इसमें जब हम लोग दही और खाने वाला सोडा डालते हैं तो वो भटूरे हमारे फूलने ही वाले हैं। आटा हम लोगों का एकदम चिकना हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, और ये आटा को चिकना करने में ही काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी रहता है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मक्खन हाथों में लगाया है, ये ऑप्शनल है, हाथों में मैंने मक्खन इसलिए लगाया ताकि थोड़ा सा आटा जो है वो और भी ग्रीसी हो जाए। आप लोग चाहे तो पानी से भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा ऑयल भी हाथों में लगा के इस तरीके से कर सकते हैं। और आटा मैं लगा चुकी हूँ, और मैंने यहाँ पे तेल गर्म कर लिया है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को यथेष्ट परिमाण में तेल चाहिए, सादा तेल, जिसे रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं।
और तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने के बाद फिर उसे हम लोग लो फ्लेम में कर देंगे, क्योंकि भटूरे हम लोग बहुत हाई फ्लेम में भी नहीं तलेंगे, बहुत लो फ्लेम में भी नहीं तलेंगे। जिस तरह से हम लोग पूरियों को तलते हैं उसी तरीका से हम लोग तलेंगे। और मेरे घर में भटूरे काफ़ी पतले पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं पतला ही बना रही हूँ, लेकिन ये फूलेंगे ज़रूर। और कुछ लोग मोटे पसंद करते हैं तो आप लोग मोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में काफ़ी पतली पूरी मतलब भटूरे पसंद किए जाते हैं। और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आप लोग चाहे तो मैदा में भी बेल सकते हैं पूरियों को, या तेल में भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले लोई जो है मेरा वो पहले मैं आटे में कोट कर ली हूँ, उसके बाद मैंने उसमें तेल लगा करके फिर बेला है। इस तरह से पूरियाँ बेलें तो तेल भी गंदा नहीं होगा और बेलने में काफ़ी सुविधा भी होगा। और जब हम लोग आटे से पूरियों को बेलते हैं तो तेल पूरा गंदा हो जाता है और वो फिर रखने लायक या यूज़ करने लायक नहीं रहता है। और जिस तरह से हम लोग पूरियों को इस तरह से मार मार के उसको फुलाते हैं, भटूरों को भी हम लोग उसी तरह से मार मार के फुलाएंगे। और आप लोग देख ही पा रहे हैं भटूरा मेरा बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। और इसे चने के साथ सर्व करें, मसालेदार चने के साथ, ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये पसंद आता है। और कुछ लोग क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो वो लोग अभी खा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में भटूरे सॉफ्ट पसंद किए जाते हैं कॉटन के जैसे, तो इसलिए मैं उसे कैजरोल में रख दूंगी जिससे कि वो सॉफ्ट कॉटन के जैसे बन जाए। और भटूरे का मतलब ही वही होता है कि एकदम सॉफ्ट तुला के जैसे हो। और ये बहुत ही इजी बनता है, तो प्लीज आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। सारी पूरियों को हम लोग इसी तरह तल लेंगे। और कैजरोल में एक टिश्यू पेपर बिछा दें, नहीं तो इसका जो भैपर होता है उसकी वजह से ये नरम सिल जाएगा। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं मैंने टिश्यू पेपर बिछाया है और एक भटूरे को मैं दिखा रही हूँ।